बोली प्राण प्यारे की धाम के धनी की हम वास्ते रसूल भेजिया और भेजिया अपना फुरमान सोईत काहू ना खोलिया मिली चौधरी तबक की जहान मिली चौधरी तबक की जहान हम वास्ते रसूल भेजिया। आप अक्षरातीत परवरदिगार परब्रह्म परमात्मा बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी मंचासीन विद्वद्गण प्राणधार सुंदर साह जी हम वास्ते रसूल भेजिया। ये जो नश्वर संसार क्षर का संसार है जिस मायावी संसार में हम अपने सुरता के जरिए सुरता की नज़र से इस खेल को देख रहे हैं और इसमें मनुष्य तन के अंदर बैठी हुई उस दिव्य आत्मा को जागृत करने के लिए परम धाम का सब कुछ नियामत अर्श का खिलवत हकीकत मार्फत निस्वत और वाहिदत को समझाने के लिए और निस्वत के जरिए तारतम ज्ञान के जरिए पुनः आपने निज घर की ओर आत्माओं को ले जाने के लिए प्रियतम अक्षराती धाम धनी संदेश वाहक के रूप में श्यामा महारानी जी और इंद्रावती जी के माध्यम से उनको शोभा दे के ये ज्ञान तारतम रूपी ज्ञान को हमें प्रदान कर रहे जिसके जरिए ब्रह्म आत्माओं के साथ साथ सारे संसार के जीवों को भी अखंड मुक्ति का दरवाजा खोल दिया गया। ये हमारा सौभाग्य है कि कभी हम ओम सोहम रर गायत्री अनेकों नामों के उलझनों में स्वर्ग और वैकुंठ के चक्कर लगाते रहे। अब प्रियतम अक्षरादित के जरिए श्यामा महारानी जी के जरिए और इंद्रावती जी के माध्यम से जो इस ब्रह्मांड को मिला है उसका कोई पारावार नहीं। वो अपरंपार दिव्य अलौकिक शब्दातीत इलम इस धरती में प्रकट हुआ है। अनेकों सिद्धि अनेकों चमत्कार और अनेक कर्मकांड से ऊपर उठकर एक ईश्वर बात एक परमात्मा को जानने के लिए सबसे सरल और सहज रूप में धाम धनी ने ये इलम हमें दिया। किरंदन के अंदर हम इस भाव को सुनते हैं विवेचना करते हैं कि वो कौन सा स्वरूप आया है जिसने हमें ज्ञान दिया जिसने निस्वत के साथ मूल स्वरूप से जोड़ा। यहां ये भाव दर्शाया गया था लेकिन दुनिया इसको सुनती हुए भी अनसुना कर रही है। बार बार हमारे पूज्यपाद स्वामी जी बताते हैं और उन्होंने किरंदन के टीका में भी लिख दिया और निजानंद योग के अंदर भी इसका विवेचना किया कि रेहु नहीं मैं न संत हूं न कवि हूं
मन्नत ओम सोहम गायत्री आदि का जप करने वाला चमत्कारी पुरुष हूं। मैं अविनाशी परब्रह्म परमात्मा हूं। मैं अपने अंदर उस प्रकरण में ये भाव है और इसका ही खुलासा निजानंद योग में है। प्राणधार सुंदर साध जी सज्जन वृंद, कि मैं अपने अंदर अंतस्करण के अंदर सिद्ध संत साधु फकीर ज्ञानी जन संत द्वारा किए हुए उन चमत्कारों से ऊपर हूं। मैं 14 लोक से दूर हूं। मेरा स्वरूप कोई लौकिक स्वरूप नहीं है। ये बात उन्होंने कह दिया। जो परब्रह्म परमात्मा है वो अलौकिक है। उनका ही शोभा महामती जी को मिला, धनी जी को जोश आत्म दुल्हीन नूर बुद्ध मूल वतन ये 5 मिल भई महामत। तासो महामत प्रेमले तौलती, तिनसो धाम दरवाजा खोलती, सया जाने धाम में बैठिया, ये तो घर ही में जाग के बैठिया। कौन आया है सुंदर साध जी उस स्वरूप में? आज दुनिया उलझ रहा है कि मनुष्य तन के अंदर उलझा हुआ है, साधनाओं के अनेक चमत्कार पर उलझा हुआ है। कोई हठ योगी बन रहा है, कोई नाद योग बन रहा है, कोई तांत्रिक क्रियाओं को सिद्ध कर रहा है, कोई आपने भ्रिकुटी पर ज्योति को देख रहा है, कोई ताल मृदांग झांस डम्फ किंकिन सिंह गर्जन बांसुरी आदि यंत्रों द्वारा निकले हुए सुरों को अपने कानों को बंद करके वो सुनता है और वो बोलता है कि मधुर संगीत हमारे अंदर है। लेकिन ये सब कहां तक सीमित है? शरीर तक। कोई इंगला पिंगला सुषुम्ना नारी को प्रभावित कर देता है, त्राटक कर देता है और अपने अंदर ज्योति को देखकर अपने पंच तत्व को ही देखकर सीमित रह जाता है। वो कहता है मैंने परमात्मा का दर्शन कर लिया। लेकिन प्राणा जी कहते हैं मैं इन सब से परे हूं। मैं न ज्योति में हूं, मैं न अजपा में हूं, न मैं उन्मुनि मुद्रा में हूं, न ओम में हूं, न सोम में हूं। सोहम वो मैं हूं, ऐसा करके लोग आज उलझे पड़े हैं। लेकिन वो कौन है? परब्रह्म परमात्मा। उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए तो दिव्य वाणी में प्रवेश करना होगा। सुंदर साध जी, तुम ही उतर आए अर्ष से, इत ही इत तुम ही क्यों मिला, तुम ही दही शुद्ध अर्ष की जो अर्ष में हो आप। ये दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान का जो सिलसिला, तारतम का जो प्रकटन धाम धनी की कृपा से हुई है। लेकिन हमारा समाज अब भी सोया है। किरंतन के अंदर चीर और नीर का निवेरा करके श्रीजी ने मैं वो हूं, उस दिव्य धाम का उस स्वरूप हूं संकेत कर दिया। लेकिन हमारा समाज सुंदर साध जी अब भी सोया हुआ है कि वो पारब्रह्म परमात्मा प्रियतम श्री प्राणनाथ जी साक्षात धाम धनी आज गुमट जी में विराजमान है। उनका अलौकिक स्वरूप चेतन स्वरूप आज भी गुमट जी में विराजमान है और वाणी में वांग्मय कलेवर के रूप में 14 अंग में विराजमान है। रास ही चरण प्रकाश पिंडुरिया, रास से लेके क्यामत नामा तक उनका सक्षत स्वरूप विराजमान है और वो खुद खुदा वो प्रियतम प्राणा जी धाम धनी हमारे दिल में, आत्मा के दिल में विराजमान है। लेकिन जब
हमारा समाज बीतक साहिब का चर्चा करता है, उसको समाज में प्रस्तुत करता है, तो सबसे पहले ही शुरू के दिन में ही वो प्राण बल्लभ प्राण प्रीतम को क्या बोलता है, वो तो धाम चले गए। ये सबसे बड़ी विडंबना यही है। आज हमें एहसास नहीं है कौन आया है, किसने ये वाणी दिया है। अभी चर्चा की चौपाई के चरण में सुन रहे थे कि धाम धनी ने किसको शोभा दिया था, लेकिन शुरू के दिन में ही प्रियतम प्राणनाथ जी चले गए और उनके शिष्य उनके भक्त रोने लगे। ऐसा करके विरह गायन वाणी का गायन किया जाता है। आज देखिए दुनिया में कितने संप्रदाय, जो आपने परमात्मा के लिए, आपने भगवान के लिए, आपने इष्ट देवता के लिए, वो इस संसार में नहीं है, फिर भी वो जबरदस्त वो आपने मनमानी करके वो उसको जिंदा कर रहे हैं, उनको जीवित रखे हुए। और हमारा ही समाज का विद्वान, हमारे समाज के ज्ञानी जन ऐसे है जो हमारे प्राण प्रीतम को, अभी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी जागनिक लीला चल रही है, अभी सुंदर साध की आत्मा जागृति हो रही है, फिर भी वो बीतक के प्रारंभ में ही बोल देते हैं कि प्राणनाथ जी तो धाम चले गए। सुंदर साध जी, प्राणनाथ जी कोई साधु संत नहीं है, किसी के पुत्र नहीं है, किसी के पिता नहीं है, किसी के भाई नहीं है, वो तो साक्षात धाम धनी है, वो परब्रह्म परमात्मा है, जिन्होंने ब्रजमंडल में लीला किया, जिन्होंने रासमंडल में लीला किया, जिन्होंने जिनके हुकुम के स्वरूप ने अरब में लीला किया, जिन्होंने नौतनपुरी में लीला किया, जिन्होंने श्रीपास पद्मावतीपुरी धाम तक, वही प्राणनाथ जी का स्वरूप धाम धनी अक्षरातीत का स्वरूप ही लीला कर रहे। लेकिन हम शुरू में ही प्रारंभिक दिनों में ही प्राणनाथ जी को क्या बोलते, वो धाम चले गए। मैं यहां से ये विनम्रता पूर्वक सभी विद्वानों को प्रार्थना करते हुए आपके चरणों में प्रणाम करता हूं कि ये भारत स्वाधीन भारत है, 75वां स्वाधीनता दिवस अभी अभी मनाया गया। आप अगर प्राणनाथ जी के स्वरूप को प्रचार नहीं कर सकते, इस ब्रह्मवाणी को आप प्रचार नहीं कर सके, तो आपसे गुजारिश है कम से कम सुंदर साध को तो इस माया के इस प्रकार के अंधकार में मत रखिए। सुंदर साध चाहता है, सुंदर साध जी, सुंदर हर सुंदर साध चाहता है इस वाणी से जुड़ने के लिए। हर सुंदर साध के दिल में दर्द है, बीतक साहेब के अंदर जिस स्वरूप का वर्णन है उसको जानना चाहता है। श्री जी साहेब ने, हमारे प्राण बल्लभ प्राण प्रीतम ने जिस ज्ञान को दुनिया को बताया, बीतक के अंदर जिस स्वरूप का वर्णन है, उन्होंने जिस राह पर चल के दिखाया, उस राह पर चलने के लिए आज हमारा लाखों लाख सुंदर साज इस मार्ग पर, इस राह पर जुड़ना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप विद्वानों को मैं गुजारिश कर रहा हूं विनम्रता पूर्वक, आप उन्हें मत रोकिए। श्री जी साहेब प्राणनाथ जी के स्वरूप को पहचान कराइए, वो किसी के भक्त नहीं है, वो किसी के दास नहीं है, वो किसी के चेला नहीं है, वो तो प्राण बल्लभ है, प्राण प्रीतम है, उनको पहचानना होगा। और जो सुंदर साध इस ज्ञान को जानने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसको प्रेरित कीजिए। आज मैं यहां से दर्द के साथ कह रहा हूं कि जब आप आरती बनाते हैं तो उसमें क्या क्या लिखा है, जरा गौर से देखिए कि सुंदर साध को एक आरती बनाया गया है, उसमें लिखा है कि श्री प्राणनाथ बजरे, श्री प्राणनाथ बजरे। उसके अंदर आप गौर से देखिए, चिंतन कीजिए, उस आरती में कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द ठीक नहीं है,
उसमें प्राणनाथ जी को संत कहा गया है, उसमें प्राणनाथ जी को साधु कहा गया है, और सुंदर सांत को क्या बना दिया, मैं भक्त हूं, मैं नीच हूं, मैं असहाया हूं, ऐसा कहीं नहीं है वाणी में। प्राणनाथ जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, इन मोती का मोल कयो न जावे, नहा किनो कानो सुनाए, सोई जले जो मोल करे, और सुनने वाला भी जल मरे। और सुंदर सात भक्त नहीं है, सुंदर सात असहाय नहीं है, वो तो रूह मेरे तुम्हारा आशिक, हम हक में, हक हम में, हक बिना सब ख्वाब, सब हमारे और राजी में कोई अंतर ही नहीं है। श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, इसलिए मैं तो कहता हूं जिन महानुभाव ने भी इस आरती को बनाए, इसको कम से कम शुद्ध करे, या तो इसके बदले में जो महाराज छत्रसाल जी ने गाया, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्मस्य न्यारे स्वघर आए हमारे, इस आरती को कंचन थाल, इन आरती जो जिसमें ये सीधा सीधा भाव दर्शाया जा रहा है कि मेरा प्राण बल्लभ, मेरा प्राण प्रीतम ही मेरे घर में आए है, मैं उनको तन मन धन से निछावर करता हूँ, ये शुद्ध विशुद्ध अवस्था में धनी के मेहर से, कृपा से, समर्पण भाव से उतरी हुई आरती को ही गायन किया करे, नहीं तो समाज एक दिन दिशा से भटक जाएगा। इसलिए जो भी देना है वाणी से देना है, जो भी कहना है वाणी से कहना है। पिछली बार बीतक हो रहा था तो कईयों विद्वानों ने बीतक साहेब तो आगे पधराया, लेकिन बीतक की चर्चा नहीं किया, सिर्फ किससे कहानी ही सुनाया, सिर्फ ब्रजराज के वो भी भागवत से आधारित कहानी को ही सुनाया, लेकिन जो बीतक में जो तीन स्वरूप मलकी हक्की छत्रसाल जी, श्री धनी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी हुकुम हमारे प्राणनाथ जी के स्वरूप, और छत्रसाल महाराज जी के जो स्वरूप का वर्णन, ये बहुत कम विद्वानों ने किया। अभी भी हमारा समाज दिशा से भटक रहा है, जब तक हम वाणी से नहीं जुड़ेंगे, जब तक बीतक के अंदर प्रवेश करके उसके गहतम रहस्य को सुंदर सात तक नहीं पहुंचाओगे, जब तक हम चरचनी को नहीं बताएंगे, जब तक बैराट को नहीं बताएंगे, जब तक हम चितवनी के राह पर नहीं चलेंगे, तब तक हमारी आत्म जागृति संभव नहीं है। इसलिए हमें हादी के राह पर चलना है, और वही हादी हमें ये ज्ञान दिया, हम वास्ते रसूल भेजिया और भेजिया अपना फुरमान। इसलिए सभी विद्वानों से, सभी ज्ञानों जनों से, सभी मान्यवरों से मेरा निवेदन है कि आप बड़े बड़े महलों को बनाने से फायदा नहीं है। अभी हमारे अंदर एक ऐसा जुनून होना चाहिए कि आप अभी जो ज्ञानपीठ सरसवा से जो क्रांति, वाणी का क्रांति समाज में लेके जा रहे, इसको और फैलाना है। अभी आप मेघालय के अंदर चले जाइए, नागालैंड से यहाँ कहीं सुंदर साथ है, हम खुलेआम वहां पर मंच नहीं लगा सकते, ऐसा स्थिति है, लेकिन हमारे समाज का संपूर्ण ऊर्जा कहाँ पर व्यतीत हो रहा है कि हम बड़े बड़े होटलों को बना रहे, बड़े बड़े इमारतों को खड़े कर रहे, लेकिन हमारे पास विद्वानों की कमी है, हमारे पास चितवनी के लिए कोई योजनाएं नहीं है। और कई विद्वानों से हमने सुना कि चितवनी तो हो ही रही है, और वो जबरन चितवनी को ढांपना चाहते, वो जबरन वाणी को ढांपना चाहते, और अपने ऊर्जा को गलत दिशा में लेके जा रहे। मेरा ये गुजारिश है कि समाज जग जाए, मैं फिर भी कहूंगा यहां से सारे विश्व में रहने वाले सुंदर साथ कि आज का भारत आजाद भारत है, आज विश्व में आप राइट टू स्पीक, आपका
संविधान ने भी आपको कि आप बोल सकते, आप कहीं भी जाके चर्चा सुन सकते, आप वाणी को पढ़ सकते, ये स्वाधीनता दिया है। अभी भी आप डरे हुए हैं, अभी भी आपके अंदर भय है। आप उठिए, जागिए और उन गलत परंपराओं को छोड़िए और सही मार्ग को अपनाइए और अपने जीवन को धन्य धन्य कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, प्रणाम जी।